गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आपका प्रोडिक एग्ज़ाम के सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, हिंदी लिटरेचर में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। ओके, हमने आपका हिंदी लिटरेचर में लेसन 4 और 5 का रिवीजन आपका हो गया है। हम लोग आज लेसन 6 का रिवीजन करेंगे। ओके, आपको बेटा अपना रिवीजन जो है क्लास और कॉपी में ही करना है। ओके बेटा, आप सब का आज रिवीजन जो है वो लेसन 6 चैप्टर का है। तो सबसे पहले आपको क्लास वर्क, डेट, लेसन नंबर और लेसन नेम यानी कि पाठ का नाम और पाठ का नंबर दोनों लिखना है, ठीक है। अब आपको अपनी ये लिटरेचर कॉपी में करना, आपका आज का जो रिवीजन कौन सा है लेसन 6 का है ना। तो आपका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द अर्थ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आरंभ में पक्षियों के घर का आकार कैसा था। आरंभ में पक्षियों के घर का आकार कैसा था। आपको पता है कि पक्षी के घर का आकार किस टाइप का था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आरंभ में पक्षी के घर आरंभ में पक्षी के घर का आकार कैसा था। ओके, आप सबको पता है कि आरंभ में पक्षी का घर कैसा है ना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी ने अपना घोंसला किससे तैयार किया। पक्षी ने अपना घोंसला किससे तैयार किया था। वो पहले कहाँ गई थी, पहले बाहर निकल के वो क्या क्या अपना ले आती है, पहले सामान, फिर उसके बाद अपना घोंसला बनाती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी ने अपना घोंसला किससे तैयार किया। किससे तैयार किया था, आप सबको आंसर मालूम है ना, किससे तैयार किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, आरंभ में पक्षी के घर का आकार कैसा था। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी ने अपना घोंसला किससे तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि जब पक्षी उड़ना सीख गया तो उसकी समझ में क्या आया। पक्षी जब बड़ी हो जाती है थोड़ी सी और जब उड़ना सीख जाती है तब उसकी समझ में क्या आता है। जब पक्षी उड़ना सीख गया तो उसकी समझ में क्या आया। उसकी समझ में क्या आया, क्या आया था उसकी समझ में जब वो पक्षी उड़ना सीख गया था। तो आप सबको आंसर पता है ना। अब बेटा ये आपके लेसन 6 के 3 क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब आपका शब्द अर्थ हमने आपको करवाया है ना। आपका शब्द अर्थ क्या है, सबसे नंबर 1 पर है सर्वप्रथम। फिर नेक्स्ट है आपका आकार, नंबर 2 पे है आपका आकार। नंबर थ्री पे है आपका शाखों। ठीक है, नंबर 4 पे है सुकुमार। और नंबर 5 पे है पसार। तो बेटा ये आपके शब्द अर्थ हैं, ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। आरंभ में पक्षी के घर का आकार कैसा था, पक्षी ने अपना घोंसला किससे तैयार किया, जब पक्षी उड़ना
सीख गया तो उसकी समझ में क्या आया। ठीक है, आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं और ये आपके शब्द अर्थ, सर्वप्रथम आकार, साखो, सुकुमार और पसार। ठीक, तो ये आपके शब्द अर्थ हो गए और ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। ये आपको अपनी लिटरेचर कॉपी में करना है। ओके, और हम लोग इसके बाद जो है लेसन 7 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।